वाई भुला दूंगा सॉन्ग विल बी ऑन योर फेवरेट लिस्ट. मैं आपको ये बताऊंगी आज के वीडियो में. बट उसके पहले हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नायकर, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. तो सबसे पहले रीजन है सिडनास, एक ऐसी जोड़ी जिसको बिग बॉस के घर में इतना ज्यादा पसंद किया था, मतलब लोगों को उनको इतना ज्यादा देखना एक साथ पसंद था कि इतने सारे ट्रेंड्स होते हैं. आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अलग से ट्रेंड होते, शहनाज के लिए अलग से ट्रेंड होते. तो ये दो ऐसे कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं ट्रेंड होते, चाहे अलग अलग ही सिंगल ट्रेंड हो या फिर एक साथ ट्रेंड हो, ये लोग ट्रेंड होते रहते. और ये जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की थी बिग बॉस के घर के अंदर, और इसको देखने के लिए लोग बेकरार थे. और फाइनली उनका नाम है भुला दूंगा. एंड एक पार्ट है जो वीडियो का पार्ट है जो हर जगह पे सर्कुलेट हो रहा है, जो हल्की सी एक झलक दिखाई है सॉन्ग की, एक मतलब सॉन्ग की झलक कानों में दिखाई देगी आपको, वो ऐसा है. तुम मेरे गले लग जाओ मैं सारे दर्द भुला दूंगा, भुला दूंगा मैं खुद को. तो आप ये बताओ, ये लिरिक्स इतने ज्यादा डीप है कि आपको एक एक ऐसे चुटकी में ऐसे कैची है और आप इसको लूप में सुनोगे. मैं तो इतना सा वीडियो ही लाइक लिटरली लूप में सुन रही हूँ. तो फिर मतलब कैन यू इमेजिन द होल सॉन्ग कितना ब्यूटीफुल होगा. और हम लोग को थोड़ी सी ग्लिम्स भी मिली है बारिश में पूल के अंदर, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला पूल के अंदर और सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ है. सैड सॉन्ग होगा वो, बट जो भी हो आशिकों के लिए तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग होने वाला है ये, बिकॉज आई गेस कि ये डीप लगने वाला है सॉन्ग, मजेदार होने वाला है सॉन्ग, ऐसा मुझे तो लगता है. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना. मैं आती हूँ रोज वीडियोज के साथ, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी परत मी आलेच, हाँ बाय.